मैं आपको लेकर आया इसके मॉडल दिखाने के लिए वाटरफॉल रेसिडेंसेस के ये बहुत ही शानदार बनकर आने वाला है मैं आपको एक एक करके सारी चीज इसके अंदर समझाता हूँ सो so, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं अब मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ एंट्री so, यहां से गाड़ी आपकी जाएगी ये हो गया आपका सीपीआर सीपीआर से डायरेक्ट ये सर्विस रोड है सर्विस रोड से डायरेक्ट आपकी यहाँ पे एंट्री होगी सो so, आप अंदर एंटर करते हो करने के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज टावर सी और जो राइट हैंड साइड में जो इतनी विड्थ में दिख रही है दीज आर द ऑफ टावर टावर ए ए एंड बी तो और बी में आपको टू बी एच के दो तीन अलग अलग साइजेस हैं थ्री बी एच के है ये सारे हैं और आपको टावर सी में थ्री बी एच के थ्री बी एच के प्लस स्टडी रूम प्लस सेवन क्वार्टर और सिर्फ थ्री बी एच के इस तरह के सारे हैं दिस इज द ई डब्ल्यू एस जो आप इधर देख रहे हो इवन जो ई डब्ल्यू एस है उसकी तरफ आपका अगर फ्लैट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे भी हो तो वो दिखे ना कुछ डर्टी लुक ना है उसके लिए क्या किया है ये जो वॉल है यहाँ पे कंप्लीट एक, एक वॉल डाल दिया है और उसके ऊपर दिस ऑल विल बी द ग्रीन जो हैंगिंग गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करते हुए कि हमेशा आपको ग्रीनरी फील हो फ्रेश एयर आए और ये आपको फील ना हो कि ईडब्ल्यू फेस करती हुई मेरी अपार्टमेंट है और यहाँ पे ऊपर की ओर जब आप आते हो तो ये आपका हो गया टेनिस कोर्ट ये टेनिस कोर्ट थोड़ा ऊपर की ओर किया गया है ताकि नीचे में जो है विजिटर्स की पार्किंग के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ मिल सके और ये सेंटर में हो गया पूरा का पूरा आपका लेविस ग्रीन जैसा आप देख रहे हो ग्रीनरीज पूरी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट ग्रीनरीज हो गई जितने भी वाटर बॉडीज हो गए एवरीथिंग यू कैन सी हियर और वो सामने क्लब हाउस जैसा आप देख रहे हो अगर आपको टावर ए और बी में जाना है तो वहां पे भी फ्रंट में ही ड्रॉप ऑफ रहता है और साथ में अगर टावर सी है तो आपको टावर सी के लिए पूरा घूम के आना पड़ेगा फिर ड्रॉप ऑफ होगा और यहाँ से लेकर आप बेसमेंट में जाओगे टावर ए और बी के लिए स्टार्टिंग में ही बेसमेंट में जाने का रास्ता है सो इस तरीके से नीचे में दो लेवल में बेसमेंट पार्किंग है आपकी और आपके जो बेसमेंट के अंदर जो होगी पार्किंग अलॉटेड होगी एंड अदर दैन दिस कुछ जो पार्किंग एरिया है सर्फेस एरिया में भी दे रखा है बिल्डर ने और साथ ही साथ विजिटर्स पार्किंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया लॉन्ट टेनिस कोर्ट के नीचे में भी आपको मिलता है सो दिस वे इट इज द फर्दर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जैसा आप देख रहे हो और जो स्टूडियो अपार्टमेंट जो आने वाला है ना वो इधर के लैंड बैंक पे आने वाला है जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ इधर जो एरिया हो गया यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स फाइव एकर्स का स्टूडियो अपार्टमेंट आने वाला है जो वाटरफॉल रेसिडेंसी का फेस टू है और वो जी प्लस थर्टी फोर का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें थर्टी थर्ड एंड थर्टी फोर्थ फ्लोर विल बी द ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस है जो कि कंपनी बेच नहीं रही है फर्स्ट फ्लोर से थर्टी सेकेंड फ्लोर तक आपके स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे और जो ग्राउंड फ्लोर है वो ट्रिपल हाइट का रहेगा जहाँ पे आपके घुसते के साथ एटीन थाउजेंड स्क्वायर फीट का यू आर गेटिंग अ क्लब हाउस स्टूडियो पार्टमेंट में भी क्लब हाउस यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड स्क्वायर फीट का अलग से क्लब हाउस है और वो सेपरेट पूरी की पूरी एंटिटी होगी जहां फीट का क्लब हाउस होगा तो अगर आप वाटरफॉल के अंदर में घर चाहते हैं टावर सी में कुछ इन्वेंट्री बची हुई है ए और बी में भी कुछ इन्वेंट्री बची हुई है साथ ही साथ मेरे पास दो पेंट हाउसेज बचे हुए ऑन द टॉप जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको मैं दे सकता हूँ फोर बी एच के पेंट हाउस काफी अच्छे साइज के रूम्स है काफी अच्छा बना सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट क्रिसुमी सिटी की क्रिसुमी सिटी इतनी हाइप के साथ क्यों बिक रही है इसका लोकेशन समझाऊंगा आसपास में जो जो चीजें आने वाली हैं जो इस प्रोजेक्ट को काफी डिमांडिंग बनाती है इस पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं तो ये हो गया आपका कंप्लीट एनपीआर जो इधर आप देख रहे हो दैट इज द द्वारका एक्सप्रेस वे राइट एंड दिस साइड इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स टोल प्लाजा ये आपका मेन एन आ गया और उस साइड से जैसा आप देख रहे हो दिस इज द 90 मीटर रोड सीपीआर लिफ जिसके बारे में आजकल रोज न्यूज आती रहती है and the latest update की एंड एंड द लेटेस्ट अपडेट कि तक ये आपका स्टार्ट हो चुका होगा तो इसके इस साइड में अगर और आगे की ओर बढ़ते चलते चले जाते हैं ये एन की तरफ आप बढ़े हो सो दिस इज द साइबर सिटी एज यू कैन सी तो सब कुछ आसपास में ही है और जैसा मैं आपको इसके थ्रू दिखाना चाहता हूं दिस इज शोइंग द मेट्रो जो कि अभी एग्जिस्टिंग मेट्रो है जो अपकमिंग मेट्रो है ये लाइट इसको दिखाती है जो इधर मेट्रो आने वाले हैं तो एक जो मेट्रो है अपने सिटी के साथ में एक मेट्रो स्टेशन वहां रहेगा एंड दिस शोज द हाईवे क्योंकि आप ये देख रहे हो ये लाइट आपको हाईवे के बारे में बताती है जितने जो हाईवेज हैं आपके एन एच एट हो चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे हो उसको दिखाता है एंड दिस बिकम्स आवर क्रिसोमी सिटी एंड दिस इज द क्रिसोमी सिटी ऑफ सिक्सटी फाइव एकर्स एज यू कैन सी ऐसे ऐसे ये डेवलपमेंट बनकर आने वाली है अब मैं आपको बताता हूं कि इसके आसपास में क्या है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल रेसिडेंसेस से सो so ये जो आप देख रहे हो डायरेक्ट यहाँ सी से आपकी एंट्री होगी दिस इज वाटरफॉल रेसिडेंसेस टावर ए एंड बी यहाँ है एंड टावर सी इज दिस वन सो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द सी पी जो सर्विस रोड है वहां से आपकी एक्सेस होगी राइट और ये जो फर्दर जो आप देख रहे हो दिस फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें से ये स्टूडियो अपार्टमेंट आने में तकरीबन 220 एकड़ का मेंटेन करने वाली थी लेकिन क्रिशुमी वालों ने क्या किया कि उनको अपना टेंडर दिया है कि यहाँ हम कंप्लीट जैसा गोल्फ कोर्स है आपका गोल्फ कोर्स रोड पे उसी तरीके से यहाँ कंप्लीट गोल्फ uh, का सारा का सारा यहाँ अरेंजमेंट करेंगे और ठीक उसके साथ में ये जो पूरा लैंड बैंक है दिस इज द हेलीपोर्ट यानी कि एयर टैक्सी जैसे ओला उबर अभी आप लेते हो उसी तरह से एयर टैक्सी फैसिलिटी इज गोइंग टू बी स्टार्टेड दिस इज द सेक्टर 84 तो सोसाइटी जो आपकी या सिटी आपकी जो है उसके ठीक सामने में सारा कुछ आपका रहेगा अब इस साइड मैं आपको लेकर आ रहा हूं दिस इज कंप्लीट द कमर्शियल पैस एज यू कैन सी दिस इज ऑफ डीएलएफ यहाँ पे डीएलएफ जो है अपना साइबर सिटी टू लेकर आ रहा है जहां पे अभी अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलरेडी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की और कुछ और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट भी होने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर में भी डीएलएफ के कुछ रेसिडेंशियल्स और आने वाले हैं, जो कि दिवाली या बाय नेक्स्ट ईयर वो लॉन्च हो जाएगा तो आसपास में इतने नियर बाय में ही आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं और सबसे जो मजेदार चीज है जो आपका पड़ोसी है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम अप्रीशियेशन मिलकर आने वाला है वो है टॉक ऑफ द टाउन दैट इज ग्लोबल सिटी इट इज वन थाउजेंड एकर्स ऑफ द लैंड पैच विच द ग्लोबल सिटी ग्लोबल सिटी में एक अलग ही लेवल के सारे रेसिडेंशियल कमर्शियल आने वाले हैं ये जो ग्लोबल सिटी है इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ दुबई बिजनेस बे दुबई बिजनेस बे के कॉन्सेप्ट यहाँ आपको सारे के सारे हाई एंड रेसिडेंशियल कमर्शियल आने वाले हैं और इसके अंदर जो लैंड बैंक की जो कॉस्टिंग है दैट इज़ बिटवीन 45 फाइव टू सिक्सटी फाइव सी आर और उसकी ऑप्शन भी स्टार्ट हो चुके हैं तो जब यहाँ पे 30 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ के आपके रेसिडेंशियल्स आएंगे तो उसके ठीक सामने में अगर आपका घर होगा या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी डेफिनेटली इट विल बी मल्टी फोल्डेड वन। ग्लोबल सिटी के बारे में डेफ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है आप उसको देख सकते हो और जो स्टूडियो अपार्टमेंट जो आने वाला है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसका भी मैं आप के साथ लिंक शेयर करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको भी जरूर देखना सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस एज यू कैन सी ये ट्रिपल हाइट जो लॉबी आप देख रहे हो ये टावर सी की लॉबी भी ऐसी ही होकर आने वाली है दिस ब्यूटीफुल स्टोन क्लैडिंग के साथ ये आपको बनकर आने वाला है हर जगह आपको नेचुरल चीजें मिलेंगी और ये जैसा पत्थर आप देख सकते हो दिस इज द नेचुरल वन स्टोन